वेलकम बैक वंस अगेन टॉक विथ शुभम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर डिपार्टमेंट यानी कि जल निगम लिमिटेड की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 800 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग केवल 10वीं या 12वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप लोगों का सपना है साल 2021 के अंदर एक अच्छे से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट पोस्ट पर नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए साल 2021 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जल विभाग की तरफ से। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग दिल से इंटरेस्टेड हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे इस वीडियो के अंदर जो डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूँ वो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि कब से लेकर कब तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या एज है, क्या एप्लीकेशन फीस है और बाकी सारी चीजें नोटिफिकेशन में ही क्लियर होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में आवेदन करके भी दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे जो कि मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। देन इसके बाद मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इजिली आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप लोग बिल्कुल फ्री में करेंगे, कोई भी आपका एप्लीकेशन शुल्क यहां पे नहीं लगने वाला है। आपको बता दें कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन काफ़ी पहले जारी हुआ था इसी साल अप्रैल में, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 यानी कि कोविड-19 की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं ले जाया गया, जो कि अब आगे जा रही है। इसके अलावा वेतन की बात करें तो आपको लगभग यहाँ पे लमसम में बात करें तो 54,000 रुपये तक स्टार्टिंग का दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी जानकारी है जो कि आगे आपको नोटिफिकेशन में मिलने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यहां तक वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज के लिए आवेदन करके अपने सिलेक्शन के चांसेस को इनक्रीज कर पाएं। चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जल निगम लिमिटेड की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए टोटल 800 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। बात करें यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, तो मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर यहीं पे वेतन की बात करें तो वेतन आपको 56,100 रुपये पर मंथ तक का दिया जाएगा, ये स्टार्टिंग का है। इसके अलावा आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी दिया जाएगा और आप सभी को ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप यानी कि आवेदन करने होंगे। इसके अलावा फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, आप लोग निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर अवसर बोल के बताया गया है, जल निगम में एई और जेई समेत 840 पदों पर शुरू होगी भर्ती। यहाँ पे बता दें आपको एई, जेई और लोअर डिविजन क्लर्क के पदों पर वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, देन उसके बाद नोटिफिकेशन पे चलेंगे और उसके बाद आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देंगे, देन अगली वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं naukrikova.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहीं पे अपडेट है जल विद्युत निगम लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2021 के लिए। इसके नीचे आपको बता दें कि linkworking.org की आपको ऑफिशियल साइट मिलेगी, जहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में काफी डिटेल में अपडेट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 840 है। और यहीं पे अगर बात करें पोस्ट नेम की, तो आपको जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की, ए यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की और एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज मिलने वाली हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी एज है जो कि कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल के बीच में होनी चाहिए। देन आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उम्र में छूट भी दिया जाएगा। इसके बाद
एप्लीकेशन शुल्क है जो कि जनरल ओबीसी का बिल्कुल फ्री, और अगर आप लोग एससी एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार हैं तो भी निशुल्क आवेदन कर पाएंगे। देन टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जल विद्युत निगम लिमिटेड होने वाला है। बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर बात करें कि हमारा वेतन क्या रहेगा, तो वेतन की बात करें तो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक आपको मंथली का वेतन दिया जाएगा। इसके बाद आपका एजुकेशन है जो कि 10th 12th और डिप्लोमा पास है, तो आप लोग अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको लास्ट डेट से पहले जरूर से आवेदन फिल कर देने हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट के बेस पे होगा, इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो अभी जो है तो आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ड्यू टू कोविड-19 उसके अकॉर्डिंग जल्दी भर्ती आपकी शुरू हो जाएगी। इसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन है जहाँ पे linkworking.org की वेबसाइट का आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो चलिए हम लोग डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन की बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं हिंदुस्तान जॉब्स के बारे में यहां पे बताया गया है। अवसर जल निगम में ए और जेई समेत 840 पदों पर शुरू होगी भर्ती। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे जल निगम में तकनीकी स्टाफ की भर्ती कमी को दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। अभियंताओं के 740 व लिपिक संवर्ग के 100 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। यह भर्तियाँ लोक सेवा आयोग व उपरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगी। जल निगम में कुल 13,317 पदों में 4,300 पद खाली चल रहे हैं। सबसे ज्यादा कमी अवसर अभियंताओं की है, कुल 2,517 पदों में 1,544 खाली पड़े हैं। महज 953 अवर अभियंता ही कार्यरत हैं। सहायक अभियंताओं के 997 पदों में 209 खाली हैं। इसी तरह अधिशासी अभियंता के 194 में 88 व अधीक्षक के अभियंताओं के 159 पदों में 116 पद रिक्त पड़े हैं। अगले 5 वर्षों में 2045 पद और रिक्त हो जाएंगे। जल निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2021 और 22 के लिए सहायक अभियंता के 80 व सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के 18 कुल 98 पदों तथा अवर अभियंता यहां पे बोला गया है कि 124 कुल 642 पदों पर लोक सेवा आयोग से भर्ती के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। कर्मचारियों को दिसंबर माह तक वेतन दिया गया, यानी कि यहां पे कोविड-19 की वजह से जो आंदोलन हुआ था यहां पे दिसंबर माह तक का वेतन दे दिया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गई शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात, अब बात करते हैं आवेदन करने की। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जल्दी आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने की एक वीडियो बना के दूं, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे आपको आवेदन करने की वीडियो उतना जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।